देखिए आज मैं आपको ये डिजाइन बताऊंगी। ये स्वेटर में डाली है मैंने, इसमें मैंने 100 फंदे डाले थे, ऊपर 20 फंदे बढ़ाए। ये फुल साइज का स्वेटर है, ये देखिए आपको ये डिजाइन जो मैंने डाली है, ये छोटी चटाई वाला डिजाइन है, आपको मैं ये डाल के बताऊंगी। देखिए मैं ये थोड़े फंदों में डाल के बताऊंगी आपको। पहले हम ये 2 फंदे सीधे लेंगे, तो इसके बाद हम ये 2 फंदे छोड़ के तीसरे को बुनेंगे। पहले ये तीसरा बुन लिया और 2 ये बाद में बुनेंगे, फिर इसको निकाल देंगे बाद में। 2 बुनने के बाद तब निकालेंगे इसको इसमें से। ये फंदा थोड़ा ढीला लेना है, ये इस तरीके से खींच देना है। देखिए अब हम उल्टी साइड से भी इसी तरह के लेंगे। पहले ये 2 फंदे हम सादा बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे बचे जो हमने ये डिजाइन डाली थी, अब हम पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे इसमें तीसरे फंदे में, इस तरीके से। ये डिजाइन दोनों तरफ से एक जैसी पड़ती है, पीछे से जब बनाते हैं तो सिलाई आगे के डालते हैं और आगे से बनाते हैं तो सीधे लेते हैं। ये 2 फंदे सादा बुन लिए मैंने, ये 2 फंदे बचे हैं, अब हम इसमें डालेंगे।
देखिए ये तीन तीन फंदों में डलती है ये डिजाइन। जब हम दूसरी लेते हैं तो ये तीन फंदे, पहला फंदा ये सादा बन लेते हैं, वही तीसरे में इस तरीके से डालते हैं। और ये डिजाइन बिल्कुल नहीं फैलती है। आप जब स्वेटर बनाएं तो अपने हिसाब से फंदे डालें, उससे 10 फंदे ज़्यादा डालें तभी ये सही आएगा। ये देखिए ये इसी तरह पड़ती जाएगी, तब इसको बड़े स्वेटर में डालते हैं तब अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने इसमें डाली है, ये देखिए देखिए। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।